सीबीआई हो, ईडी हो, अब ये संस्थाएं हैं, इनके चरित्र को इतना धूमिल कर दिया है ना भाजपा ने। अब कोई कहता है कि फलाने के सर्च ऑपरेशन वहां हो रहा है तो कतई भरोसा नहीं होता, वो उनका है ही नहीं भाई, वो तो मजबूर है, वो किसी के स्क्रिप्ट लेकर के जा रहे हैं। आज लालू जी की बेटियों पर, स्वयं तेजस्वी जी हमारे डिप्टी सीएम के घर पर जाकर के सर्च कर क्या हासिल करने के लिए, एक बंद केस को खोल करके। आपकी टीस है कि अगस्त के महीने में 2022 में जो सरकार गई ना, तो वो टीस आपने इन संस्थाओं के मध्य रख दिया। इन संस्थाओं में कोई व्यक्ति है किसी एजेंसी में, उनको सेवा विस्तार चाहिए, उन्होंने आपसे वादा कर लिया अरे हम इस सरकार को हिला करके रख देंगे। साहब हिलने वाले नहीं। लालू जी इतनी परेशानियों के बावजूद आपके सामने अडिग खड़े रहे। आप बा जाइए, आपने किसी भी पक्ष के दल और नेता को नहीं छोड़ा, बा जाइए, क्योंकि कल जब आप सत्ता में नहीं होंगे आपके साथ इसकी पुनरावृत्ति हो सकती है। क्या ये उचित होगा? एक बार राजनीतिक लड़ाई राजनीतिक तरीके से लड़ना शुरू करिए। ईडी सीबीआई बहुत हो गया, अब लोग हंसते हैं आप पर, मखौल उड़ाते हैं इन संस्थाओं का, कम से कम इन संस्थाओं की चिंता करिए और इनको स्क्रिप्ट देना बंद कर दीजिए।